नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। युवा एकता परिषद के तत्वावधान में किसान इकाई के द्वारा अन्नदाताओं के हित के लिए किया जाने वाला आंदोलन लगातार आठवें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि रेलवे विभाग की वादा खिलाफी के खिलाफ किसानों के हितों की रक्षा के लिए युवा एकता परिषद के किसान इकाई के द्वारा लगातार अनशन किया जा रहा है। और अनिश्चितकालीन अनशन के आठवें दिन सिरमौर विधायक दिवराज सिंह ने अनशन स्थल पहुंचकर अनशनकारियों को आश्वासन देते हुए रेलवे विभाग को पत्र लिखने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से लगातार रेलवे विभाग की वादा खिलाफी के खिलाफ अनशन किया जा रहा है और इस अनशन स्थल पर अब तक कई रेलवे और शासन प्रशासन के कर्मचारी पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी ने भी लिखित तौर पर आश्वासन देने की बात नहीं की है, जिसके कारण यह अनिश्चितकालीन अनशन लगातार चलता जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा जिले की युवा एकता परिषद के बैनर तले रेलवे बोर्ड की वादा खिलाफी के विरोध में बासा मड़वा में चल रहे अनिश्चितकालीन अनशन के 8वें दिन सिरमौर विधायक दिवराज सिंह ने अनशन स्थल पर पहुंचकर किसानों का हाल चाल जाना और कहा कि युवा एकता परिषद के संस्थापक बेउहर भैया हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम सदैव सदा याद रखेंगे। साथ ही विधायक दिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की मांगों को रेल मंत्री तक पत्र के जरिए पहुंचाएंगे और किसानों को अन्नदाता कहते हुए किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देने की बात भी उन्होंने कही। अनशन के 8वें दिन नीलेश त्रिपाठी, संदीप शर्मा, सुग्रेम सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, जिला संयोजक विकास अग्निहोत्री सहित कई किसान व युवा साथी मौजूद रहे। वहीं अनशन पर बैठे मड़वा निवासी नीलेश त्रिपाठी के चाचा जी का दुखद निधन हो गया, जिस पर युवा एकता परिषद किसान इकाई के साथ ही स्थानीय किसानों एवं ग्रामवासियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा एकता परिषद के मार्गदर्शक मंडल के ज्ञानेन्द्र सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक अन्नदाताओं के हक में फैसला नहीं होता है, तब तक अन्नदाताओं के हक में हम युवा सदैव समर्पित रहेंगे और उनकी मांगे न पूर्ण होने तक लगातार अनशन जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर बृहद आंदोलन की चेतावनी भी मार्गदर्शक मंडल के ज्ञानेन्द्र सिंह के द्वारा दी गई। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला आर्यन की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अभी तो ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी जी का मल्यालपा द्वारा कितने दिन का अनशन हो गया यहाँ पे और अभी तक में क्या प्रशासनिक कार्यवाही हुई, क्या कुछ? 6 दिन हो गए, ये तो बताया गया कि तहसीलदार मैडम 2 बार आ चुकी हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि रेलवे बोर्ड का आदेश है और जब तक आदेश नहीं आता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई भी संतोषप्रद हम लोगों को आश्वासन मिला नहीं है और ये अनशन अभी चल ही रहा है। आगे के लिए भी हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं क्या करना है। अभी तक जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या आश्वासन मिला है? जनप्रतिनिधियों द्वारा भी आज ही विधायक जी आए थे, उन्होंने रेल मंत्री को लेटर लिखा है और हम लोगों की मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी हमारे सांसद जी से फ़ोन से बात हुई है लेकिन अभी वो आ नहीं पाए हैं, उम्मीद है कि कल परसों तक आएंगे दिल्ली से, तो जो जैसा होगा हम लोग उनके सामने भी अपनी मांग रखेंगे। क्योंकि रेलवे लाइन जो यहाँ से निकल रही है तो इस गांव के अलावा भी कई ऐसे गांव जुड़े होंगे जहाँ किसानों की ज़मीनें अधिकृत होंगी, वहाँ के किसानों का क्या सपोर्ट मिल रहा है आपके अनशन में? यहाँ तो अभी बांसा और मड़वा के किसान ही हम लोग अनशन में सहयोग कर रहे हैं जो भी है, लेकिन जैसे सीधी जिला के किसानों से भी बात हो रही है, जैसे आगे का हम लोगों का जो रूपरेखा है, जैसे कि नेक्स्ट जो कदम है, हम लोग भी कमिश्नर ऑफिस का जाके आंदोलन करने वाले हैं यहाँ के किसान, तो उसके लिए भी बात हो रही है। वो लोग पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, बोल रहे हैं जो भी होगी संख्या बल हम लोग आएंगे और आगे आपके साथ चलेंगे, और इसके आगे अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट हम लोगों की कार्रवाई होगी रेल रोको अभियान, उसमें भी वो लोग पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।